वो यार इसको ऐसे 4 लाइनों में कर देता हूँ कोड, 8 लाइनों में कोड कर देता हूँ। इन सब चीजों पे शुरू में मत ध्यान दो। हम जितना दिमाग में सोचते हैं, हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम भूल जाते हैं चीजें। फोन को साइड में रखो, पेन एंड पेपर को अपना दोस्त बनाओ, राइट। बेकार की चीजें हैं ये, तुम 2 हफ्ते बाद आओगे सारी चीजें भूले हुए होंगे। ये अपना ईगो को साइड रखी कि यार मुझे सीखने की चाह है, मुझे अच्छे से बनना है डीएसए में। यही चीजें तुम्हारी लॉजिक्स बिल्ड करती हैं और यही चीजें तुम्हें हेल्प करती हैं टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर सर, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार इस वीडियो का फोकस होने वाला है, यार तुमने मेरे को बहुत ज्यादा कहा कि भैया मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा है डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट मुझसे नहीं हो पा रहा, लॉजिक्स नहीं बन पा रहे। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, कोड करने की कोशिश करता हूँ, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। यार मैं तुम्हें अच्छे से समझ पा रहा हूँ। मैंने पर्सनली जब अपनी डीएससी की तैयारी करी थी, मैं भी इस सिचुएशन में था। मुझे ऐसा लगता था यार दूसरों से बन जाते हैं लॉजिक्स, मैं ही नहीं सोच पाता हूँ। तो तुम अकेले नहीं हो, उस बात से डरना बंद करो। और मैं इस वीडियो में 5 ऐसी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आया हूँ जो मेरे लिए मेरी प्रिपरेशन के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। मेरे को उसने डीएसए में बहुत अच्छा बनाया था और अमेजोन जैसी कंपनी क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। तो प्लीज इस वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। अच्छे से समझ लेना, अपनी हैबिट में ले आना फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। अगर हम 30 दिन इसको अच्छे से कर लेते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता डीएसए में अच्छे बनने से, कोई नहीं रोक सकता हमें अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने से। हमारा कॉन्फिडेंस बहुत सही होगा आफ्टर फॉलोइंग दीज हैबिट्स। तो प्लीज वीडियो के एंड तक रहना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो चलते हैं और एक एक करके हर पॉइंट पे बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट इज, देखो जब हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, डीएससी में प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार कुछ लोगों के हमसे अच्छे लॉजिक्स होंगे, कुछ लोगों के हमसे थोड़े से कम अच्छे लॉजिक्स होंगे। बट हमें इंपॉर्टेंट क्या करना है, हमें अपने लॉजिक इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। हमें अपने आप को इवेल्युएट करना है हर 30 डेज में। क्या मेरा आज जो लॉजिक है वो 30 दिन पहले से अच्छा हो गया है? अगर हो रहा है तो और डेफिनेटली हम अच्छा कर रहे हैं। हमें लर्निंग एटीट्यूड रखना होगा, ईगो को साइड रखना होगा कि यार उससे लॉजिक बन गया तो मुझसे क्यों नहीं बना। ये सब चीजों का कोई एंड नहीं है। तो प्लीज अपने एटीट्यूड को चेंज करो, लर्निंग एटीट्यूड रखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो। यार ये प्रॉब्लम आई, क्या मैं इसमें एज कैसे सोच पा रहा हूँ, क्या मैं कॉर्नर कैसे सोच पा रहा हूँ, अच्छा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उसमें अपने आप से एज कैसे सोचना शुरू कर दिया। क्या मैं इन सब माहौल में आ गया हूँ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो डेफिनेटली तुम अच्छे डीएसए में बनोगे अगर तुम्हारा ये वाला एटीट्यूड हो जाता है। पूरा लर्निंग पे ध्यान देना होता है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई ईगो नहीं, सिंपल लॉजिक बिल्डिंग, सिंपल लॉजिक इंप्रूवमेंट, एंड यू विल बिकम ग्रेट इन डीएसए। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू राइट बेस्ट कोड फ्रॉम स्टार्टिंग। देखो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि हम लॉजिक भी अच्छे लिख लेंगे और हम कोड भी शुरू से बहुत अच्छा करा करेंगे। यार ये सब प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। जब तुम डीएसए सीख रहे होते हो, तुम इतना ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग पे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मेहनत कर रहे होते हो कि कोड एकदम से बेस्ट नहीं लिख पाओगे एकदम स्टार्टिंग में। तुम बहुत ज्यादा खराब कोड लिखोगे, बट वर्किंग कोड लिखना जरूरी है शुरू में। फिर दूसरों का सोल्यूशन देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा यार इसको ऐसे भी कोड कर सकते थे। बट अपने आप से ना एक्सपेक्ट ये मत करो कि तुम बेस्ट कोड शुरू से लिख लोगे। तुम आज जो कोड कर रहे हो और 1 साल बाद जो कोड करोगे, अपने आप ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी कोडिंग में। वो बहुत आसान पार्ट है, मुश्किल पार्ट है लॉजिक बिल्डिंग करना। क्या हम अच्छे से लॉजिक सोच पा रहे हैं, क्या हम बेस्ट अप्रोचेस सोच पा रहे हैं, यार इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैं तो ये वाला एज केस पे कैसे चलेगा, क्या हम ये चीजें कर पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी मेहनत यहां लगाओ, कोड जितना कर सकते हो इंप्रूवमेंट ध्यान दो, बट बहुत ज्यादा उन चीजों में मत लगो। यार इसको ऐसे 4 लाइनों में कर देता हूँ कोड, 8 लाइनों में कोड कर देता हूँ, इन सब चीजों पे शुरू में मत ध्यान दो। वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस ऑन लॉजिक बिल्डिंग, फोकस ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, फोकस ऑन कॉर्नर केसेस, एंड डोंट फोकस टू मच ऑन राइटिंग द बेस्ट कोड। ये पार्ट बहुत आसान है, हो जाएगा, लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दो। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज, विच इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि यार पेन एंड पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी में जो सबसे ज्यादा चीज मदद करेगी वो तुम्हारा पेन और पेपर है। देखो हम जितना दिमाग में सोचते हैं, हमारा ब्रेन ऐसा है कि हम भूल जाते हैं चीजें, बट कोई चीज समझ नहीं आ रही, पेन एंड पेपर पे उठा के उसके केसेस सोचो। यार ये इस केस पे कैसे चलेगा, उस केस पे कैसे चलेगा। पेन एंड पेपर साथ में रखो, फोन को साइड में रखो, पेन एंड पेपर को अपना दोस्त बनाओ, राइट। कोई आईपैड नहीं, कोई कुछ और नहीं, पेन एंड पेपर जो वर्क करता है उससे अच्छा कुछ नहीं वर्क करता।
उस पे जितना तुम सोचना शुरू करोगे, उतना ज्यादा तुम फोकस करोगे, उतने ज्यादा तुम्हारे लॉजिक्स अच्छे बन जाते हैं। देखो कुछ है दुनिया का कि यार पेन एंड पेपर में हम कुछ लिख लिख के करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ज्यादा जाती हैं चीजें। तो जितना तुम पेन एंड पेपर पे मेहनत करोगे, जितने अपने लॉजिक सोचने का तरीका पेन एंड पेपर पे करोगे, उतने तुम्हारे लॉजिक्स अपने आप बेटर होते चले जाएंगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। और जब तुम 30 दिन बाद खुद को देखोगे, तुम अपने आप बोलोगे यार पेन एंड पेपर के बिना प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रही। तुम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे, वो भी आज की डेट में पेन एंड पेपर का यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कोई खराब बात नहीं है इसमें, कोई ईगो की बात नहीं है। जितना तुम पेन एंड पेपर को अपना दोस्त बनाओगे, उतना ज्यादा लॉजिक बिल्डिंग में आगे बढ़ोगे और डीएसए में फोड़ दोगे। नाउ कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार जब हम डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तभी हम लॉजिक में अच्छे बन पाएंगे, तभी हम डीएसए में अच्छा बन पाएंगे। विच इज पहला पॉइंट इज, जब हम डीएसए की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं किसी भी टॉपिक में, हमेशा हमें इजी मीडियम हार्ड ये स्ट्रैटेजी से जाना है। अगर हम सीधा इजी से हार्ड जाएंगे, तुम यही बोलोगे भैया ये हार्ड प्रॉब्लम आ गई, कोई नहीं रही सॉल्व, यार तुमने मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करी, कैसे कर पाओगे हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सेकंड पॉइंट इज, किसी भी टॉपिक को कर रहे हो तो उसमें 20 से 25 प्रॉब्लम्स मेंटेन करनी है, कहीं ना कहीं 5 इजी, 10 मीडियम, 5 हार्ड, अच्छी खासी वैरायटी रखनी है, अच्छी खासी बैंडविड्थ करनी है कि यार 20 प्रॉब्लम से कम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस टॉपिक को अंडररेट कर रहे हैं, और ज्यादा भी नहीं करना है। कीप मूविंग ऑन, एक डेटा स्ट्रक्चर में अटक नहीं जाना है कि यार इसी में मैं लगा हुआ हूं, उससे कुछ नहीं होता, राइट। फिर तो तुम हर चीज में बस एरेज के क्वेश्चन ही करते चले जाओगे, 100 क्वेश्चन हम एरेज में करे जा रहे हैं, ये गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट रहना है, मतलब ये नहीं कि यार आज एक हफ्ता तो मैंने बहुत ज्यादा डीएसए कर लिया, अब 2 हफ्ते का ब्रेक ले लिया, बेकार की चीजें हैं ये। तुम 2 हफ्ते बाद आओगे, सारी चीजें भूले हुए होंगे। जो तुम कंसिस्टेंट फ्लो में सीखते चले जाते हो, उसी से तुम्हारे लॉजिक्स बढ़िया बनते चले जाते हैं। एंड कंसिस्टेंसी का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर तुम एक हफ्ता एरेज को दे दो, एक हफ्ता पूरा ट्रीज को दे दो, एक हफ्ता पूरा ग्राफ्स को दे दो, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तुम पहले हफ्ते में पहला दिन करते हो तो थोड़े कम क्वेश्चंस बनते हैं, बट जैसे जैसे वो हफ्ता एंड होते रहता है तो तुम अच्छे हो जाते हो उस टॉपिक में। ट्रीज में ऐसी पहले दिन शायद थोड़ा सा कम थे हम लॉजिक्स में, 7वें दिन आए हम अच्छे हो। तो कंसिस्टेंट रहना है, हर टॉपिक को इनफ टाइम देना है, मूविंग ऑन करते रहना है, बैलेंस मेंटेन करना है, एंड दैट्स हाउ वी विल मेंटेन डिसिप्लिन, एंड दैट्स हाउ वी विल बिकम ग्रेट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब अपने लास्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड शायद सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर हो तुम्हारे लॉजिक बिल्डिंग में, कि यार जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो तो तुम्हारे 2-3 स्टेजेस आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेजेस, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व करी और फर्स्ट टाइम में ही सबमिट हो गई कि यार ये प्रॉब्लम तो मैंने जो सोचा था उसके हिसाब से हो गई, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम तुम्हें दोबारा करने की अब कभी जरूरत नहीं है। एक बार ही सॉल्यूशन चेक कर लो, कुछ नया सीखने को मिला तो कहीं ना कहीं बुकमार्क कर लो कि यार ये इस स्ट्रैटेजी से भी हो सकता था, और उसको अपने दिमाग में रख लो कि मैं इसको रिवाइज कर लूंगा, इतना करना होता है बस। सेकेंड पॉइंट इज, तुमसे प्रॉब्लम ट्राई करा, तुमने एक घंटा दिया, इनफ एक घंटा दिया और नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, तो आई विल रिकमेंड उस प्रॉब्लम को 12 या 24 घंटे बाद दोबारा ट्राई करो। कई बार ये दिमाग नहीं चलता, बट 12 या 24 घंटे बाद तुमने ट्राई करा और तब हो गई, तो अगेन उस प्रॉब्लम को अब कभी करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन एक बार ही चेक कर लो, कुछ नया सीखने को है तो उसको बुकमार्क कर लो, राइट। एंड द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, हमसे प्रॉब्लम नहीं हुई सॉल्व, अब सबसे बड़ा हमारा काम है लॉजिक बिल्ड करना। अब हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, अब हमारे लॉजिक्स बिल्ड होंगे, पॉजिटिव नोट पे लेना है कि यार नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से समझेंगे कि क्यों नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, क्या इसके टेक्निक्स थे, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ करा, पूरा देख देख के कोड कर दिया और उसको बुकमार्क कर दिया कि मैं इस प्रॉब्लम को अब दोबारा रीअटेम्प्ट दूंगा 20 दिन बाद। यही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि लॉजिक बिल्ड होंगे या नहीं होंगे। 20 दिन बाद आया, तुमने उस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करा, हो गई तो अच्छी बात है, अब हमसे वो कभी भी हो जाएगी, नहीं हुई तो अब झुक के फिर से सॉल्यूशन देख के फिर से पूरा कोड सबमिट करेंगे और फिर से 20 दिन के लिए बुकमार्क कर देंगे कि यार इस प्रॉब्लम को मैं 20 दिन बाद दोबारा रीअटेम्प्ट करूंगा। ये अपने एटीट्यूड में ले आते हो, ये अपना ईगो को साइड रखी कि यार मुझे सीखने की चाह है, मुझे अच्छे से बनना है डीएसए में, यही चीजें तुम्हारी लॉजिक्स बिल्ड करती हैं और यही चीजें तुम्हें हेल्प करती हैं टफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ टफ कॉन्सेप्ट है, वही चीजें तुम्हारी लॉजिक बिल्ड करेंगी एंड वही चीजें तुम्हें डीएसए में अच्छा बनाएगी। तो मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, ये सारी टेक्निक्स मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी थी डीएसए में अच्छा बनने में, इन्हीं चीजों से मैं डीएसए में अच्छा बना था। बाद में मैंने थोड़ी कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भी करी, अमेजोन भी निकाली, यही चीजें जब हम करते हैं तो हम अच्छे बनते चले जाते हैं डीएसए में, अच्छी हैबिट्स होती हैं और फिर हम दूसरों के भी हेल्प कर सकते हैं और सब कुछ डीएसए में कर सकते हैं।
तो प्लीज पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।